नमस्कार, मैं हूं रीमा पाराशर। अमेठी वो इलाका, वो शहर जिसके बारे में अब तक हम सुनते आए थे और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का एक समय में ये गढ़ रहा था और इसीलिए चर्चा में भी रहा। लोग अमेठी ये सोचते थे इसके बारे में जब भी यहाँ आते थे, या फिर कि इसके बारे में चर्चा होती थी कि ये आधुनिक सुविधाओं से लैस कोई ऐसा शहर होगा जिसकी धूम सभी जगह मची हुई है। लेकिन इसे विडंबना कहें या दुर्भाग्य कहें कि अमेठी इन सभी बातों से पूरी तरह से अब तक महरूम रहा था। अमेठी में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं रहा। हमेशा जब भी यहाँ आकर देखा जाता था तो छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे शहरों की तरफ, सुल्तानपुर, लखनऊ, वहां पर जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद हो रहा है, यानी यहीं से निकलकर सैनिकों के हाथ में आधुनिक उन्नत राइफल भी आने वाली है और किसानों के पास खाद और बीज से लेकर सभी सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। तो किस तरह से अमेठी की हालत अब सुधरी है और जो पहला कदम अमेठी ने विकास की तरफ बढ़ाया है उसकी दशा और दिशा आखिर क्या है, ये जानने के लिए क्या बोले यूपी में, हम अब पहुंच गए हैं अमेठी। तो जानते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज और मूड क्या है, वो भी तब जब ये चुनावी इलाका सबसे ज्यादा अहम अब तक माना जाता रहा है। तो चलिए हमारे साथ। सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और विजन भी है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं वो हम बता दें कि सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में चल रहा है, क्योंकि रूस के साथ भारत का जो समझौता हुआ है AK-203 राइफल बनाने का, यहीं पर वो राइफल बनने वाली है। और इस वक्त अमेठी के कोरवा आयुध डिपो में हम मौजूद हैं। पहले में जो अब आधुनिक हथियार हम लोग को दिए जा रहे हैं, पहले जो था उससे और आधुनिक डेवलप करके हम लोग को दिया जा रहा है इस समय, कि क्या कहते हैं जो AK-203 AK सीरीज में हम लोग आ रहे हैं इस समय। और उसके बाद फिर हम लोग को इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं इस समय, जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे पास ब्लास्टिक है और ऑप्टिकल है मैम। और ये देखिए क्या कहते हैं इसका, हम लोग ये हमारा ऑपरेटर PC रहता है, जो हम लोग पहले उससे करते थे कि हाँ एक पेपर वाइज था, अब हम लोग के पास एक पूरा आधुनिक है इस समय, कि क्या कहते हैं हम वहाँ पे जो भी टारगेट पे रहेगा वो यहाँ पे शो करता है, ऑपरेटर के पास शो करता है। और ये हमारा ब्लास्टिक का है कि वेलोसिटी कैसी है, रेट ऑफ फायर कैसा है, ऑप्टिकल के लिए वो सिस्टम लगा हुआ है हमारे पास, जो भी होता है इसमें पूरा सब कुछ आता है, वहाँ जितनी बुलेट जाएंगी वहाँ का सारा इसमें शो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही आधुनिक है, कि क्या कहते हैं हमें कोई ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी कितनी क्या है, सारी चीज़ें इसमें हम लोग को शो करता है पूरा। पीछे असॉल्ट राइफल का ट्रिगर है ये, और हम लोगों को AK-203 का जो टारगेट मिला हुआ है आगे 10 साल बनाने के लिए, सिमिलर लाइन पे ये ट्रिगर हम लोग यहाँ पे अभी टार का बना रहे हैं, और सिमिलर जो है इसका AK-203 का भी सिमिलर ट्रिगर रहेगा, जिसमें ये इसकी फोर्जिंग है ये यूज होती है, जो रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से लेते हैं। उसके अलावा ये दो सेटअप पे बनता है, फर्स्ट सेटअप पे हम लोग इसके ये अपर साइड की और ये अपर की मशीनिंग करते हैं, और ये दो ट्रिगर की एक साथ फोर्जिंग है, उसके बाद पे ये इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है। ये बहुत वर्सेटाइल 5-axis मशीन है, जिसपे की टेबल रोटेट भी कर सकती है और स्वेल भी कर सकती है। एक्चुअल में इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, 80% एक्यूरेसी है, कंपोनेंट की रिपीटेबिलिटी वगैरह ये सब काफ़ी है इसकी, और काफ़ी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मड में चली जाती गन वगैरह, तो आप निकालते हैं तो वापस से ये चल जाती है, क्योंकि इंसास पे इस तरीके के फीचर्स नहीं थे। तो ये बेसिकली इसकी खास ये है, और आर्मी का GSQR काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, तो उस मुकाबले पे ये गन भी काफ़ी उस पैरामीटर पे खरी उतरी है, इसीलिए आर्मी ने ये गन सेलेक्ट करी है। तो अमेठी का नाम अब इस गन से भी जाना, बिल्कुल जाना जाएगा ये फ्यूचर पे, ये शोर है। देखिए ये जो राइफल है बहुत ही दुनिया भर में सबसे उत्तम राइफल है, सर्वोत्तम राइफल है, और इसके लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपने देखा भी है लेटेस्ट CNC मशीन्स हैं, जिसके लिए हम मुश्किल से मुश्किल कंपोनेंट हो वो बहुत आसानी से बना पाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बना पाते हैं। और रशिया की जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हम लोग अपनी इंडियन आर्मी का, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का बहुत जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर पाएंगे। देखिए जो अभी हमारी स्ट्रेंथ है इस वक्त, उससे हम 3 या 4 गुना स्ट्रेंथ करेंगे,
और काफ़ी होगा, और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है कि यहाँ पर जब एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जीडीपी बढ़ेगा तो पूरे इलाके को फ़ायदा होगा। करीबन 300-400 लोगों तो हमको हम लोग देंगे, और जो जॉइंट वेंचर है IRPL वो भी ऐसे ही 300-400 लोगों को देगा। तो और उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली इंडस्ट्री है, जो कि कोरबा में ना होकर हो सकता है कानपुर में हो सकता है बॉम्बे में हो या कलकत्ता में, उनको भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये 70,000 राइफल प्रति वर्ष बनाने की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए अभी तक इंडियन आर्मी के पास जो इंसास राइफल थी उसमें वो लोग थोड़ा सा नाखुश थे इस बारे में कि रिलायबिलिटी की थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ये जो वेपन है AK-203 इसकी दुनिया भर में अपनी रिलायबिलिटी के लिए ही प्रसिद्ध है। तो जब हमारे फौजियों के पास एक अच्छा वेपन पहुंचेगा जो कि रिलायबल हो, जिसको जब भी वो ट्रिगर दबाए और गोली जरूर दुश्मन को भेज जाएगी तो दुश्मन तो डरेगा ही। एक फौजी के लिए उस सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बंदूक होती है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, और अगर वो उसके ऊपर विश्वास है उसको, तो मुझे लगता है कि एक विश्वस्त सैनिक ही दुश्मन को कहीं भी मात दे सकता है। जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ AK-203 फैक्ट्री जहाँ पर की बनेगी ये राइफल्स, तो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है आत्मनिर्भरता की दिशा में, और इन चुनावों में भी ये अहम मुद्दा होगा कि किस तरह भारत रक्षा के क्षेत्र में और खासकर हमारी सरहदों पे सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर रहा है। किसी भी गांव में प्राकृतिक रूप से कई सारी ऐसी चीजें उगती हैं या मिलती हैं जिनसे कि वहां के स्थानीय प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी तरह अमेठी का भी यहां पर एक गांव है, और ये जो इलाका है मुसाफिर खाने का, यहां पर प्राकृतिक रूप से ऐसी घास उगती है जिसे यहां की स्थानीय बोली में अगर कहें तो सरपत कहा जाता है, और उससे जो उत्पाद बनते हैं उनको कहा जाता है मूंज उत्पाद। अब से पहले भी घर घर में यहाँ पर मूंज, जो कि ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, पहले इसे कहते हैं मूंज, ये जो घास है यहाँ पर उगती है 12 महीने, और 12 मासी इस घास को मूंज या सरपत कहते हैं, और इससे चारपाई भी बनती है और तमाम अलग अलग तरीके के डिजाइन जो घरों में सजावट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। और अब तक ये लोग सिर्फ इससे ऐसे ही अपने घर में रोजमर्रा के सामान बनाने में ही अपना गुजारा इससे करते थे, लेकिन उसके बाद सरकार की जो योजना आई एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, उसने इस उत्पाद पर भी ध्यान दिया, और उसके बाद अमेठी में जो ये तमाम देखे यहाँ पर महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, और ये जो परिवार यहाँ चल रहे हैं इस उत्पाद से अपना परिवार चला रहे हैं, इन सबका जीवन बदल गया, बदलाव आया, क्योंकि अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। ODOP के तहत मूंज उत्पाद को लाने के पीछे मकसद ये था कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर किया जाए, रोजी रोटी का सामान जो इनके घर में तब नहीं होता था वो इनको देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए योजना को आगे बढ़ाया जाए। और अब देखिए सबसे अहम बात ये है, फ्लिपकार्ट Amazon इस तरह के जो इनके जो उत्पाद है ये इन सभी वेबसाइट पर भी अब सीधे तौर पर खरीदे जा सकते हैं। तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि किसी गांव को आत्मनिर्भर बनाना या गांव का विकास, शहर का विकास इसी से जुड़ा होता है कि वो अब शहर से निकलकर विदेशों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर मूंज के उत्पाद बन रहे हैं और इनको बनाने के पीछे कितनी मेहनत है, और जब मेहनत रंग लाती है तो कैसा लगता है, इन्हीं से बात करते हैं। सरपत है मूंज, ये नदी के किनारे गोमती के किनारे होता है, वहाँ से काट के लाते हैं, यहाँ पे बाद काज इसको कुटाई करते हैं, कुटाई करके बरते हैं चार पाई के लिए भी, और इसी से बेच घूर के सब लोग धंधा करते हैं, खाते पीते हैं इनका। ना हमारे पास खेती है, ना बारी है, नहीं कुछ है, ना हमारे पास रहने का कोई व्यवस्था है, ये काश बूझ करके अपने पेट पाल रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये जो छप्पर वगैरह आपके बने हुए ये भी इसी से बने हैं ये? अच्छा, कौन से वाले? ये भी सर। देखिए ये जो इनका छप्पर है जिस घर में ये रह रहे हैं यहाँ पर, ये भी इसी मूंज के उत्पादों से ही ये बनाते हैं, और इसीलिए ये उत्पाद एक तरीके से इनकी आजीविका के लिए भी जरूरी है, इनके रहन सहन के लिए भी जरूरी है, और इनके रोजमर्रा के जीवन से एक तरीके से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, और इसी में ये लोग जुटे भी रहते हैं। जी, इसी से हम लोग सब रहने की व्यवस्था बनाए, सरपत से मूंज से घास भूसा ही करते हैं। क्या क्या बनाते हैं इससे आप? इससे हम छापर भी छाते हैं, टाटी भी बांधते हैं, और बांस भी बना लेते हैं, और चारपाई भी बना लेते हैं, सिरकी जो है निकालते हैं इसका, उसके
बेचते हैं तो उसमें ले जाते हैं, दहकार लोग ले जाते हैं, बा सूप वगैरह ये सब बनाते हैं, जो पछोरा जाता है इसी से बनता है सब। और ये जो सजावट का सामान होता है, मेज पर बिछाने वाला, मेज बनाना, ये सब इन्हीं से बनता है? इन्हीं से बनता है जी, इन्हीं से बनता है। इसको ले जाएंगे मशीन में, पिराई होगा, पिराई होकर घस्ता पलाई बनता है, इसी से होता है सारा। कितने साल से कर रहे हैं सर? हम यहाँ कम से कम बचपन से कर रहे हैं, 20-25 साल से हम इसे कर रहे हैं, 40 साल हमारी उम्र हो गया है, अब यही करते हुए। पहले जो आपकी स्थिति थी उसमें और अब में कुछ परिवर्तन आया है पहले क्या इस उत्पाद को लेकर? मिला था, अब राशन मिल रहा, बच्चों को भी राशन मिल रहा है, सबको राशन पीना सब कुछ मिल रहा है हम लोगों को। और जब तक स्मृति देवी आए हैं तब से हमको मिल रहा है, नहीं उससे पहले कुछ नहीं मिल रहा था। अच्छा, और ये मूंज के लिए भी पहले सरकार की तरफ से जो अब योजना चल रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए उसका फायदा मिल रहा है? पहले जब स्थिति थी, पुरानी सरकार थी, तब में और अब में कुछ परिवर्तन दिखा इस उत्पाद को बढ़ाने? नहीं, जब से स्मृति दीदी यहाँ पर आई हैं तब से यहाँ पर बहुत लाभ मिल रही है, सब चीज़ों का उत्पाद जो है यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जब से स्मृति दीदी आई हैं राशन भी मिल रहा है, बाध काश का हमारे रोजगार भी अच्छा काम हो रहा है, यही सब दीदी मिल रहा है, और उसके पहले कुछ नहीं मिलता था। पहले क्या था? पहले तो बहुत जंगल जंगल था, यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, जब से स्मृति दीदी आई तब से राशन मिलने लाग मिला था, बच्चन का कपड़ा मिलने लाग, अब की नहीं मिला, अब की पैसे मिला है, यही कुल होता है। इसका पहले जो उत्पादन इसका होता था बाहर बेचती थी उसमें और पहले में और अब में कुछ फर्क आया? पहले से तो अब फर्क आवा है, पहले से फर्क आवा है, इसमें बहुत फर्क आया है, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा जो पहले सरकारें थीं इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करती थीं और इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, लेकिन जब से माननीय सांसद महोदया यहाँ आई स्मृति दीदी जी, तब से हम लोगों को ये प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, हम लोगों के माध्यम से इन लोगों का ये सारा प्रोडक्ट मंडियों तक जाता है और इनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पहले ना तो रास्ते थे और ना ही यहाँ नजदीक में मंडियाँ थी इनकी, अब हर जिले में बाध मंडी के रूप में एक मार्केट विकसित की गई है और वो प्रोडक्ट फिर मंडियों से इंटरनेशनल मार्केट तक जाते हैं यहाँ से जी। और ये लोग यहाँ का जो बेस है केवल ये बाध बनाने का ही है, अब यहाँ से ये लोग मूंज भी सप्लाई करते हैं और इसमें से जो सीख निकलती है उसको डिजाइन में बना के जैसे बैठने का और तमाम राजस्थान में जाके वहां से वो प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे मैट, चटाई, अन्य चीज। बदलते भारत की तस्वीर की अगर हम बात करें और अगर हम चुनाव से पहले आकलन करने की कोशिश करें तो ये दिखाई देता है कि वो अमेठी जहां पर अब से पहले विकास कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता था, वो विकास जो अब गांव तक पहुंचने की कोशिश में है, विकास की दस्तक गांव तक भी पहुंच गई है। और ये जो सड़क आपको दिखाई दे रहा है यानी ये पटरी जो आपको दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पे सिर्फ मिट्टी और कच्चा पूरा रास्ता हुआ करता था, यहाँ जितने भी घर हैं, जितने भी गांव वाले यहाँ पर रहते हैं उन सबको यहाँ से अपने घरों तक जाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इस तरह का रास्ता बनाने का काम हो, गांव तक पहुँचने की सुविधा हो या इस तरह के घर बनाने का काम हो, ये तमाम चीजें इस बात की गवाही सीधे तौर पर दे रही हैं कि हाँ वाकई में चीजें हो रही हैं, बदलाव आ रहा है और इसी से सबका जीवन भी जुड़ा हुआ है, सबका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण, यहीं रहते हैं आप? जी। अरुण, जहां हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले क्या सूरत थी, आपके गांव में कैसे जाते थे? अब जब से तो पहले तो यहाँ पर इतना जब पानी बरसता था तो काफी चेहटा जो है कीचड़ हो जाता था, हम लोग यहाँ से आने जाने में जो है कि बड़ी दिक्कत होती थी, जो भी आता था तो यहीं अगर गाड़ी चार चक्का वाले फोर व्हीलर आती थी तो यहीं पे जो है कि रुक जाती थी, तो यहाँ पे अंदर नहीं जाता जा पाती थी। लेकिन जब से जो है कि पाँच दस सालों में जब से बीजेपी की सरकार लगभग आई है, मोदी जी आए हैं, उसके बीच में काफ़ी विकास हुआ है और जहाँ भी देखें तो यहाँ पर पक्की सड़कें हमारे सब हम लोगों को आने जाने के लिए सब सुविधाएँ हो गई हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो उन्होंने लागू किया है, जब से काफ़ी लोग जो है कि काफ़ी घर उन्होंने दिया है गरीबों को रहने के लिए। पहले जो है कि
लोग इस तरह से नहीं रहते थे कि मतलब झोपड़ी में, अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। कि जैसे अब पहले झोपड़ियों में रहते थे, ये पानी बरसता था तो आंधी आती थी तो लोग सही से अपने बच्चों को नहीं जो संभाल पाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए जब से उन्होंने आवास दिया है लोगों को रहने के लिए, अच्छे से व्यवस्था हो गई है, अब अपने अपने घर में जो है कि रह रहे हैं ठीक ठाक। पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ का, जब से स्मृति ईरानी जी आई हैं अब रोड बन गया है, पुल बन गया गाजियाबाद का, इसीलिए आदमी आने जाने लगे नहीं, यहाँ पुलिस नहीं आती थी, हर चीज़ कोई दिक्कत, बहुत परेशानी थी यहाँ पे, और रास्ता नहीं थी गांव जाने के लिए, बहुत दिक्कत थी। ये जो जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये कैसा? ये कच्चा रोड था, ये पहले कीचड़ बहुत होता था इस रोड पे, हाँ इतनी परेशानियाँ थी, बहुत दिक्कत गाँव में, लेकिन अब जब से स्मृति ईरानी जी आ गई है सब काम सही होने लगा है। हाँ जी, ये कीचड़ वाली रोड जो है वो बनी है, और इसके अलावा और क्या क्या काम हुआ? इसके अलावा आवास मिला है, कॉलोनी मिली है यहाँ पे, और लेटरिन बन गई है काफी, कोई अब दिक्कत परेशानी ज्यादा नहीं है। पहले से अब में सुधार? हाँ पहले से अब से बहुत सुधार आ गया है। किसानों के लिए आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? हर पार्टी दावा करती है सब कुछ करने का, लेकिन बात जब सच्चाई की आती है तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में किसानों के लिए कुछ हुआ है और वो इस बारे में कितने ज्यादा संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ है, और सबसे अच्छा तो है कि किसानों के लिए जो बाहर से सरकार से पैसा वैसा मिलता है DBT से आ रहा है, वो सबसे अच्छी बात तो यही है, बीच में बिचौलिया नहीं है कोई। और दूसरी बात यही जानवरों वाली बात, कुछ दिक्कत पड़ रही है और उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, हम अपना जानवर खोल दिए उसका खा रहे हैं, वो खोल दिया हमारा खा रहे हैं, तो सरकार कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ इस पर गंभीर होना चाहिए। और तो बाकी सरकार काम बहुत अच्छे हैं, सब योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से BJP सरकार आई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमेशा रेत उतरती है, खाद की कोई समस्या यहाँ है नहीं, खाद की कमी नहीं है, जब किसान चाहता है तभी मिल जाती है खाद, और बीज भी मिलते हैं, लेकिन किसान अभी कम जागरूक है, बड़े किसान लाते हैं सरकारी स्टोर से, वहाँ आधा छूट मिलती है, व्यवस्था अच्छी है किसान भाइयों की। किसानों के लिए जब से BJP सरकार आई, आदरणीय स्मृति जी आई हमारे क्षेत्र में, सबसे प्रमुख मुद्दा था कि खाद के लिए हमको महीनों जो है लाइन लगानी पड़ती, लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ गौरीगंज में रैक पॉइंट दे के सुविधाजनक तरीके से लोगों को खाद मिल जाती है, जब चाहते मिल जाती है, एक आधे लीटर पार्ट या तो एडवांस में मिल जाती है। दूसरी चीज, नाले हमारे यहाँ सब फटे हुए थे, पूरा जल निकासी नहीं हो पाती, काफी फसलें हमारी खराब हो जाती थी, ये सरकार बराबर सब नालों की सफाई करा के, नहरों की सफाई करके जल व्यवस्था अच्छी करा दी, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करा दी, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे किसानों को आसानी से क्रेडिट कार्ड मुहैया हो जा रहा है, गांव गांव कैंप लगा के बैंक के द्वारा, बैंक आके कैंप लगाती है और किसान आसानी से क्रेडिट कार्ड का लाभ पा रहे हैं। उसके बाद 6,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही, उससे भी हम लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है किसानों को, और हमारी उपज आसानी से जो है बिचौलिया हट गए हैं, आसानी से केंद्रों में बिक जाती है, सीधे खाता पैसे में बैंक खाते में पैसा आता है, इससे हम लोगों की खुशहाली निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले हुआ करती थी 5 साल पहले, लेकिन 5 साल से कोई दिक्कत नहीं, जब से BJP सरकार आई कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या सुविधा मिली? सुविधा खाद आसानी से मिल रही है, किसान सम्मान निधि आसानी से खाते में आ रही है, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बहुत पुअर स्थिति थी, यहाँ कोई विकास ही नहीं था, ना कहीं सड़कें थी, ना कहीं पेयजल की कोई व्यवस्था थी, कुछ भी विकास नहीं हुआ था राजीव गांधी के जमाने से बाद और राहुल के जमाने में कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। जब से BJP सरकार आई तब से अब विकास देखने को मिल रहा है। एक तो मतलब दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है, कोई किसी को डर नहीं रहा है, मतलब भय मुक्त है, और जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, गरीब तबके को बहुत लाभ हो रहा है, उससे फायदा है, गरीब का पेट भरता है, जो कोरोना काल में मतलब जो स्थिति गड़बड़ थी उससे अपना पेट भर रहे हैं लोग, इससे इनको ऊपर उभरने में मदद मिल रही है, इसलिए सरकार बहुत अच्छी है, किसान की खिदमत बहुत ही अच्छी है। फ्री राशन जो मिल रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छी है, इससे गरीब तबकों का मतलब पालन पोषण हो रहा है, बहुत सुविधा है। इसमें मोदी सरकार जो आई है बहुत अच्छा काम करा रही है,
खाद पास सब मिल रहा है, पानी सुविधा मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, हर सुविधा मिल रहा है जी। पहले जैसा अभी खाद पानी का सब व्यवस्था हो गया है, जगह जगह पे पानियों की व्यवस्था हो गई है, नहरें भी खुदवाई गई हैं और सब जगह तालाब भी खुदवाए गए हैं, तो खेतों में पानी की सिंचाई भी हो रही है बराबर और खाद पानी की व्यवस्था हो रही है, बीज भी मिल रहे हैं हिसाब टाइम से और खेतों में भी विकास हो रहा है। पहले से जैसे पहले जो अनाज होता था अभी उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होने लगे हैं, इसके लिए सब किसान भाई सब खुश हैं गाँव में, जो कोई परेशानी कोई दिक्कत है नहीं सरकार से। बहुत परिवर्तन हुआ है पहले से, अब जिसके घर नहीं उसको घर मिल रहा है, खेत में करने के लिए अगर पैसा नहीं तो पैसा मिल रहा है, बीज खाद उपलब्ध है, सिंचाई विचाई का भी हिसाब किताब ठीक हो गया है, बिजली भी थोड़ा बढ़ के मिल रही है, तो हर सुविधा किसान को है जो जैसा कर रहा है उसको हिसाब फल मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, तो जो जो कोई जैसा कर रहा है वैसा ही उसको फल मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर इन किसानों का कहना है। और हमने तो कम से कम यहाँ बात करके यही पाया है कि जिस तरह का की भ्रांति फैलाने की कोशिश है या मिसकंसेप्शन बनाने की कोशिश है, कम से कम यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान ये सोच रहे हैं कि वोट मांगने उनके पास आए लेकिन कम से कम उनका दर्द समझें और पहले और अब में जो उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, जिस तरह के फायदे उनको मिल रहे हैं, जिस तरह से योजनाएं उनके पास तक पहुंच रही हैं, उसको लेकर उनकी स्थिति में बदलाव आया है, ऐसा कम से कम यहां के किसानों का सीधे तौर पर मानना है। कोरोना महामारी ने सबको ये सीख दी कि स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है और किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी साबित होता है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को कितना ज्यादा दुरुस्त या अहम बना सके। और इसीलिए जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जानना जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब जबकि अस्पताल यहाँ अमेठी में आ चुका है और जो लोग यहाँ पर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं या जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनको आखिर कैसा लग रहा है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग स्वास्थ्य के मामले में कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन जब से ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है, जिस स्वास्थ्य के लिए हम वहाँ पे लखनऊ और रायबरेली जाना होता था, अक्सर काम यहाँ पे हो जाता है। ना तो इतने अच्छे डॉक्टर थे पहले, ना कोई सुविधाएं थी, पहले CSC PSC सेंटर होते थे। लास्ट ईयर में जब से हमारे यहाँ ये जिला हॉस्पिटल बनाया गया तब से काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई, जैसे कि अब यहाँ पे डायलिसिस होता है और ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, CT स्कैन एक्सरे सब कुछ यहाँ सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे अब, और अच्छे अच्छे डॉक्टर की भी पोस्टिंग हो गई है, तो पहले से बहुत बेहतर हुआ है अब तो। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे CT स्कैन हो रहा है, सबसे अच्छी बात है, और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी होने लगा है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सहायता मिल जा रही है, तो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा बड़ा और बहुत बढ़िया बना है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है, तो और दवाइयाँ भी इस समय बहुत ज़्यादा आई हैं, तो जो है पेशेंटों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंदर से ही दवा जो है जो भर्ती है, इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, सब जो है अंदर से ही हो जा रहा है, तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ। पहले तो कुछ था ही नहीं, बताया क्या जाए, अब तो बहुत कुछ यहाँ डॉक्टर हैं, चाहे जब आइए रात में इमरजेंसी में भी डॉक्टर रहते हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, हम यहाँ आए थे, उस दिन रात में करीब 8 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें से 2 लोगों को ट्रामा रिफर किया गया, बाकी सभी का यहीं इलाज हुआ था। तो माननीय दीदी जी का तो हम लोग ऋणी हैं कि यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई, नहीं तो पहले कुछ था ही नहीं, हम लोग बहुत परेशान होते थे, 6 किलोमीटर घर है यहीं पे, रात में बीमार क्या दिन में भी हो तो डॉक्टर यहीं पे पर्ची करती थी 1 रुपए की, दवा भी लिख दिया था बाहर लेके जाए, कोई रहता था कंपाउंडर लिख देते थे, डॉक्टर भी नहीं रहते थे। तो देखिए बिल्कुल ये बात काफी ज्यादा अहम हो जाती है कि वोट मांगने के लिए तो नेता एकदम से इन लोगों के पास सबके पास पहुंच जाते हैं, किस आधार पे वोट मांगते हैं, किस हक से वोट मांगते हैं, ये बात जरा उनसे पूछनी भी चाहिए कि इतने सालों साल जिन्होंने यहाँ पे राज किया वो आखिर क्या सोच करके यहाँ पर आया करते थे और अपनी जनता से मिला करते थे, या किस मुंह से वो एक तरीके से उनके सामने में आकर के खड़े होते थे, जबकि एक बेसिक जो बुनियादी जरूरत होती है स्वास्थ्य की, एक छोटा अस्पताल क्या डॉक्टर तक का अगर अमेठी में अब तक अभाव रहा हो तो जाहिर तौर पर स्थिति क्या रही होगी ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों की जबानी ही हमने सुना है कि तब में और अब में किस तरह का अंतर, किस तरह का विकास का जो नारा दिया गया था वो सपना अब पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। अमेठी में लोगों से बात करके और यहाँ का हाल देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर
दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं रह जाती है। वो अमेठी जहां पर अब तक सिर्फ विकास के नारे ही गूंजा करते थे, वहां पर अब विकास होना शुरू हो गया है। फिर चाहे किसानों का मसला हो या फिर कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो, सभी कुछ अमेठी में दिखाई दे रहा है। अमेठी से आज के लिए क्या बोले यूपी में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको फिर उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में लेकर चलेंगे लोगों का मूड और मिजाज भापने और जांचने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।